बॉलीवुड की भाईजान यानी सलमान खान की शादी कब होगी ये कोई नहीं जानता। सिनेमा जगत में कई फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ उनके रिश्ते को लेकर खूब बातें हुई हैं। संगीता बिजलानी, सोमी अली, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ के साथ उनके डेटिंग के चर्चे खूब रहे हैं, लेकिन बात शादी तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो सलमान खान आज अपनी शादी की बातों को लेकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन साल 1990 में एक एक्ट्रेस के साथ साथ फेरे लेने के लिए और घर बसाना चाहते थे, जो कि ना हो सका। एक जमाने में कयामत गर्ल के नाम से बॉलीवुड में फेमस हुई जूही चावला के सलमान खान बहुत बड़े फैन थे और उनसे शादी करना चाहते थे। उस दौर में जूही चावला एक बड़ी स्टार थी, एक के बाद एक उनकी हिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना रही थी, लेकिन सलमान खान उतने पॉपुलर नहीं थे। सलमान कभी जूही से शादी करना चाहते थे और इसके लिए उनके पिता से हाथ मांगने भी गए थे। ये बात खुद सलमान खान ने अपने चैट शो में बताई थी। सलमान ने बताया था कि जूही बहुत ही स्वीट और प्यारी है। मैंने उनके पापा से पूछा भी था कि क्या आप जूही की मुझसे शादी करवा देंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शायद उन्हें मैं पसंद नहीं आया, पता नहीं क्या चाहिए था उनको। मैं जूही के लिए उन्हें फिट नहीं लगा था। एक निर्देशक जूही और सलमान के साथ फिल्म बनाना चाहते थे। ऑफर दोनों के पास गया था, लेकिन जूही ने पहले तो उस फिल्म के ऑफर को लंबे समय तक लटकाए रखा और बाद में फिल्म को करने से मना कर दिया। इस पर सलमान खान ने बताया कि जूही को उनके साथ काम करना पसंद नहीं आया। आपको बता दें कि जूही चावला का नाम किसी भी एक्टर के साथ नहीं जुड़ा। साल 1995 में उन्होंने कारोबारी जय मेहता से शादी कर ली। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।